डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया। डीएनए का निर्माण शरीर में कोशिकाओं से होता है, इसे न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। डीएनए जांच से पता लगाया जाता है कि बच्चे का पिता कौन है। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोमों की संख्या 46 या 23 जोड़े पाए जाते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। यू क्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मनुष्यों को दिन भर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इसमें से लगभग 1.5 लीटर पानी पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। बाकी बचा पानी शरीर के सभी हिस्सों को कंट्रोल करता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन पैमाने पर होता है। आधा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया रोग होने से शरीर में प्रभावित अंग पीलिया है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एंड वेस्ट द्वारा किया गया। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। इस बीमारी को शुगर कहा जाता है। इंसुलिन की कमी को इंजेक्शन के द्वारा पूरा किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है।